उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी में टिकटों के बंटवारे को लेकर टकराव की खबर आ रही है। प्रदेश अध्यक्ष और अपने चाचा शिवपाल यादव की लिस्ट के बाद अखिलेश यादव ने नए उम्मीदवारों की लिस्ट मुलायम सिंह यादव को सौंपी है। सूत्रों के मुताबिक अखिलेश यादव ने पार्टी प्रमुख मुलायम सिंह यादव को 403 उम्मीदवारों की लिस्ट सौंपी है, जबकि एसपी के प्रदेश अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव पहले ही 175 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर चुके हैं और दोनों की ओर से तैयार लिस्ट में कई नामों पर मतभेद साफ नजर आ रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने मामले पर सफाई देने की कोशिश की, लेकिन विपक्ष को हमला करने का मौका मिल गया। 403 कोई जरूरी नहीं है कि उसमें से कोई भी नाम 175 से ना हो। दोनों लिस्ट राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पास पहुंच गई है और हमें पूरा विश्वास है कि वो माननीय मुख्यमंत्री की बात समझेंगे और सही आकलन करके टिकट का वितरण समाजवादी पार्टी में होगा। इस पारिवारिक विरोधाभास, इस लूट की बांट चाट में कहीं प्रदेश बर्बाद ना हो जाए, ये प्रदेश की जनता अच्छी तरह समझती है और जानती भी है कि प्रदेश के अंदर अब प्रदेश को उन पार्टियों के हाथों में बागडोर नहीं जा सकती जो परिवार की राजनीति करते हैं, अपने परिवार के आगे बढ़ाने के लिए राजनीति करते हैं। तो वहां तो पूरी तरह से लड़ाई झगड़ा पूरे तौर पर है और मैं ये कह दूं कि ये सारी अभी से जो शुरुआत हुई है ये सत्ता की लड़ाई की शुरुआत है, क्योंकि चुनाव जैसे ही जैसे करीब आते जा रहे हैं इनमें लूटपाट के लिए झगड़ा शुरू हो चुका है। सूत्रों के मुताबिक सीएम अखिलेश यादव की लिस्ट में अंसारी बंधु और अतीक अहमद और अमरमणि का नाम नहीं है। अखिलेश की लिस्ट में उन करीबियों को जगह दी गई है जिनका नाम शिवपाल यादव की लिस्ट में नहीं है। अखिलेश की लिस्ट में मौजूदा 35 से 40 मंत्री और विधायकों के नाम शामिल नहीं है। सूत्र दावा कर रहे हैं कि अखिलेश की लिस्ट एक एजेंसी से कराए गए सर्वे के आधार पर तैयार की गई है। समाजवादी पार्टी में छिड़ी जंग पर शिवपाल यादव का कहना है कि मीडिया बेवजह विवाद खड़ा कर रही है, सभी की सहमति से उम्मीदवारों की लिस्ट तैयार की जा रही है और ये टिकट का तो मामला जब डिक्लेयर हो जाएगा, चुनाव जब डिक्लेयर हो जाएगा सब समस्याएं हल हो जाएंगी। और जब मैं बोल ही चुके हैं सबकी राय ली जा रही है, सभी नेताओं की राय ली जा रही है, तो इसमें कोई समस्या ही नहीं है। आप लोग बिना समस्या बनाना चाहते हो, क्यों बनाते हो ये? मार्केट रेगुलेटर सेबी ने रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट यानी रीट के लिए डिस्क्लोजर नियम जारी किए हैं, जिसके तहत रीट लाने वाली कंपनियों को ऑफर डॉक्यूमेंट में 3 साल तक की वित्तीय जानकारी देनी होगी, जिसमें बैलेंस शीट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, नफा नुकसान और खर्च आमदनी का सारा ब्यौरा देना होगा। ये भी बताना होगा कि जो प्रॉपर्टी रीट के तहत लाई जा रही है उस पर कोई देनदारी तो नहीं है, प्रति यूनिट कितनी कमाई होगी ये भी अर्जी में बताना होगा। संबंधित पार्टी से अगर कोई सौदा है तो उसकी जानकारी भी अर्जी में देनी होगी। हर प्रोजेक्ट के हिसाब से 3 साल में कितनी कमाई हो सकती है उसका ब्यौरा भी अर्जी में देना होगा। ये भी पक्का करना होगा कि 1 साल तक कामकाज के लिए पर्याप्त पूंजी है या नहीं, प्रोजेक्ट से होने वाली कमाई कैसे निवेशकों में बटेगी ये भी बताना होगा। अगर भारतीय कंपनी रीट लाती है तो भारतीय अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से सारे फाइनेंशियल डिस्क्लोजर्स भी देने होंगे, जबकि विदेशी कंपनियों के लिए IFRS के मुताबिक बैलेंस शीट बनानी होगी।